भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजियाबाद में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की। शनिवार को वो मोहन नगर में शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर पहुंचे और वहां से मिट्टी ली। मेरी माटी मेरा देश अभियान के बारे में बताते हुए नड्डा ने कहा, राष्ट्रभक्तों को याद करना ही इसका मकसद है। देश के प्रत्येक फोर्स में शहीद हुए लोगों के घर जाएंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे और ये एहसास कराएंगे कि वो अकेले नहीं है। हर वार्ड और नगर पंचायत में 75-75 पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे अक्टूबर के आखिरी में दिल्ली पहुंचेंगे, जहां इन्हें अमृत वाटिका में लगाया जाएगा। यूपी से कुल 8,000 मिट्टी के कलश भरकर दिल्ली पहुंचेंगे। हर वार्ड में और हर गांव में, हर पंचायत में जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को आहूत किया, जिन लोगों ने देश की रक्षा के लिए प्रहरी के रूप में अपनी शहादत दी, जिन लोगों ने देश के अंदर आतंकवादियों से लड़ते हुए और देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए लड़ते हुए शहादत दी, इन सब लोगों को याद किया जाएगा और हर वार्ड में इनके नाम का एक पट्टिका लगेगी ताकि वह याद रख सके। हमारे वार्ड से इस शहीद ने अपना जीवन देश की रक्षा के लिए दिया। इस कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया और कहा कि कल कुछ लोग मुंबई गए थे, कौन थे ये लोग? ये लोग वो थे जो परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। मोदी जी देश को आगे ले जा रहे, ये वो इकट्ठे हुए थे जो परिवार को आगे ले जाना चाहते। लालू को तेजस्वी की चिंता, अखिलेश को डिंपल की चिंता, सब परिवार सोनिया जी को राहुल की चिंता, ये काहे की नेशनल पार्टी, ये तो परिवार की पार्टियां बन गई, बाकी तो सब इनके खिदमत करते हैं। ये उद्धव ये किसकी चिंता कर रहा है, महाराष्ट्र की या आदित्य की? देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी को कहीं न कहीं चुनाव कराने को लेकर चुनौती दी है। अखिलेश यादव की चुनौती पर बीजेपी ने कहा कि सपा मुखिया चुनाव हार कर भी भ्रम में हैं, वो सिर्फ ट्विटर पर नेता रह गए हैं। मथुरा में भगवान के जन्मोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने यातायात से लेकर भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजामों के लिए कमर कस ली है। रिपोर्ट के मुताबिक 40 से 45 लाख श्रद्धालु 6 से 8 सितंबर के दौरान मथुरा में रहेंगे। इसके लिए करीब 4,500 पुलिस पीएसी के रेंज और जोन पर जवान उपलब्ध कराए जाएंगे। शासन स्तर पर फोर्स भेजना अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के आवास पर हुए हत्याकांड का मामला अब गहराता जा रहा है। इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने जोरदार हमला बोला है। एक ओर जहां समाजवादी पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को बर्खास्त करने की मांग की गई, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकारी सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें, मृतक का शव केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर मिला था। गोली मंत्री के बेटे के पिस्टल से चलाई गई है। मंत्री कौशल किशोर के घर हुई हत्या के मामले में अब तक लखनऊ पुलिस की जो प्रतिक्रिया रही है उससे स्पष्टतया ऐसा दिख रहा है कि वे भारी दबाव में हैं। अतः आजाद अधिकार सेना मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग करती है।